तो बच्चों लास्ट प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने डिस्कस की, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो ये है। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये है हमारे पास में। देखो ये कहा गया है कि एक फ्री पिच बॉल, फ्री पिच बॉल का मतलब है कि वो हवा में लटक रही है, ठीक है, और इसका जो मास हमें दिया गया है वो है 8 ग्राम और इसका जो चार्ज हमें दिया गया है वो है +5×10⁻¹ कूलम। यानी ये है हमारे पास में बॉल ए और ये बॉल ए फ्री है यानी एयर में है, ठीक है। इससे 5 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरी बॉल है जिसे नाम दिया गया है बॉल बी। हमें ये कहा गया है कि बताना है कि बॉल बी पर कितना चार्ज होगा, ये जो बॉल बी है इस पर कितना चार्ज होगा जिससे कि बॉल ए रेस्ट में रहे, जिससे कि जो बॉल ए है ना बेटा वो रेस्ट में रहनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि मैंने लेट कर लिया कि भाई बॉल बी पर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, यानी रिपल्शन फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ, और 8 ग्राम की वजह से ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिरने की कोशिश करेगी। 8 ग्राम, पहले ग्राम को किलोग्राम में बदल देते हैं, 8×10⁻³, ये मास की वैल्यू हो गई, और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। अब आप ये देखो बेटा, ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा है इसीलिए फोर्स ऊपर काम कर रहा है इस बॉल पर, और इस बॉल पर एक फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ जो बॉल को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, वो है मास इनटू ग्रेविटी। अगर ये वाली बॉल रेस्ट में है क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक, इसका मतलब ये है कि इस बॉल पर जो ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है ना, इस प्लस की वजह से इस प्लस पर जो रिपल्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, वो जो नीचे की तरफ मास इनटू ग्रेविटी काम कर रहा है उसके इक्वल होगा। तो हम ये कहेंगे बॉल ए के रेस्ट में रहने के लिए फोर्स हमारा 8×10⁻³×10 के इक्वल होगा। ये हो गई है मास की वैल्यू और ये हो गई है ग्रेविटी की वैल्यू। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी आप लोगों को, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए फोर्स को हम क्या लिखेंगे, एफ को हम क्या लिखेंगे, फोर्स को हम लिखेंगे 9×10⁻¹। यहाँ का चार्ज हमारे पास में रहेगा स्मॉल क्यू, यहाँ का चार्ज हमारे पास में रहेगा 5×10⁻¹, और इनके बीच का गैप है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, यानी 5×10⁻²² का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास में इक्वल है 8×10⁻³×10 के। बात समझ में आ रही है, ये हो गई है फोर्स की वैल्यू और ये हो गया है मास इनटू ग्रेविटी के इक्वल। यानी बॉल ए के रेस्ट में रहने के लिए कंडीशन ये होगी कि जितना रिपल्शन काम करेगा ना ऊपर की तरफ, बिल्कुल उतना ही नीचे की तरफ मास इनटू ग्रेविटी काम करेगा। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। अब देखो आप इन दोनों को बराबर रखें, इन दोनों को इक्वल टू पे रखें, ये जो क्यू आपको दिख रहा है चार्ज, ये आप यहाँ से बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं चाहूँगा कि कैलकुलेशन आप खुद से करें और क्यू को आप यहाँ से सॉल्व करें। आप समझ चुके हो ना कि बॉल ए के रेस्ट में रहने के लिए बॉल ए पर नीचे की तरफ काम कर रहा है एम जी, मास इनटू ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ काम कर रहा है एफ। और अगर बॉल ए रेस्ट में है, इसका मतलब यह है कि जो ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ काम करने वाले फोर्स के इक्वल होगा। एफ हमारा एम जी के इक्वल होगा, हमने ऐसे ही किया, फोर्स को एम जी के इक्वल रखा, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बात ख़त्म। बात समझ में आ रही है, मैं इसका कंसेप्ट भी आपके सामने लिख देता हूँ बेटा, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लिख देता हूँ। इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट यह है कि एक चार्ज है यहाँ पर, यह है क्यू वन, एक चार्ज है यहाँ पर, यह है क्यू टू, इनके जो बीच का गैप है ये हमें दिया गया है आर, और इसका मास आपको दिया गया है एम। तो बेटा होगा क्या, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ एफ फोर्स से, और ये नीचे की तरफ अपने मास की वजह से एक फोर्स लगाएगा मास इनटू ग्रेविटी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो बॉडी है वो रेस्ट में रहे, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली बॉडी रेस्ट में रहे, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी पर जो ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स है एफ, वो एम जी के बराबर होना चाहिए, कैपिटल एफ शुड बी इक्वल टू एम जी। बात समझ में आ रही है बेटा, ये होगा हमारे पास में कंसेप्ट।
जो कैपिटल एफ होना चाहिए वो एम जी के इक्वल होना चाहिए। कैपिटल एफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, यहाँ का चार्ज है क्यू वन, यहाँ का चार्ज है क्यू टू, और इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर, और ये इक्वल होना चाहिए एम जी के। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे बेटा, ये हमारा कंसेप्ट होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो बेटा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बेटा ये है हमारे पास में आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में आज की लास्ट प्रॉब्लम है। वैसे तो मैं इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को करा चुका हूँ, ये प्रॉब्लम मैं दोबारा से सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ कि भाई किस तरीके से काम करना है। कुछ बच्चों का डाउट भी था इस तरीके की प्रॉब्लम में, उनका डाउट क्लियर हो जाए। देखो बेटा प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास में एक चार्ज है और ये है प्लस टू क्यू, दूसरा चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू। सबसे पहली बात हमसे ये पूछी गई है कि इनके जो बीच का गैप है ये हमें आर दिया गया है, इनके बीच का गैप हमें दिया गया है आर। जो थर्ड चार्ज है वो हमें कहाँ रखना है जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इनके बीच में जो तीसरा चार्ज मैं लाकर रख रहा हूँ ना उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुन रहे होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा हुआ क्या, ध्यान से जरा, यह है टू क्यू, यह है क्यू, यह है, हमने इतने डिस्टेंस को लेट कर लिया एक्स, और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में आर माइनस एक्स। अब होगा क्या, यह है पॉजिटिव चार्ज और ये भी है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स काम करेगा इधर एफ वन, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर और फोर्स काम करेगा एफ टू, यानी यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है इधर एफ वन, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल कर रहा है एफ वन इधर काम कर रहा है, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल कर रहा है एफ टू इधर काम कर रहा है। सो यहाँ पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है बेटा वो है हमारे पास में एफ वन माइनस एफ टू। माइनस का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है, और चूंकि यहाँ पर काम करने वाला टोटल फोर्स जीरो के इक्वल है, यहाँ पर काम करने वाला टोटल फोर्स जीरो के इक्वल है, तो हम इस फोर्स को उठाकर रख देंगे जीरो के इक्वल, तो एफ वन हो जाएगा एफ टू के इक्वल। अब आप देखो F1 और F2 किस किस के बीच में काम करने वाले फोर्स है, F1 इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स है, F2 इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स है, तो F1 को हम लिख पाएंगे 1/4πε0, यहाँ का चार्ज है 2q, यहाँ का चार्ज है स्मॉल q, और इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। F2 को हम लिख पाएंगे 1/4πε0, यहाँ का चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ का चार्ज है स्मॉल q, और इनके बीच की डिस्टेंस है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो बीच वाले पर काम करने वाले दोनों फोर्सेस को आपको बराबर रखना है, या बीच वाले पॉइंट पर काम करने वाला टोटल फोर्स जीरो होगा, f2 को उधर ले जाएंगे तो f1 f2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो बेटा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट, समझ आ रही है बात, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल Q से स्मॉल Q, इस 2/x को हम लिख पाएंगे √2/x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख पाएंगे 1/r-x का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप समझ रहे हो, दोनों तरफ से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा √2/x इज इक्वल टू 1/r-x, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √2r माइनस के √2x इज इक्वल टू एक्स, √2r इज इक्वल टू √2+1, और यहाँ है x, और x की वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास में √2r/√2+1। x जो रहने वाला है वो इतना रहने वाला है हमारे पास में, यानी ये जो डिस्टेंस रहेगी, ये जो थर्ड चार्ज हमें रखना पड़ेगा वो यहाँ से इतने डिस्टेंस पर हमें रखना पड़ेगा अगर पूरे सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में करना है तो। अब आप जानते हैं कि पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, भाई पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि यहाँ काम करने वाला फोर्स भी ज़ीरो है, यहाँ काम करने वाला फोर्स भी ज़ीरो है,
और यहाँ काम करने वाला फोर्स भी जीरो है। जब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बीच वाले चार्ज पर काम करने वाले फोर्स को जीरो के बराबर रखोगे। बात समझ में आ रही है मेरी? बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जब आपको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ काम करने वाले फोर्स को जीरो रखो, और जैसे ही यहाँ काम करने वाला फोर्स जीरो होगा तो एफ वन एफ टू के बराबर हो जाएगा। और जब आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है बेटा, जब आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्मॉल क्यू निकालने के लिए दोनों में से किसी एक चार्ज को पकड़ लो, दोनों में से किसी को भी पकड़ लो, चाहे तो आप इसे पकड़ लो या आप इसे पकड़ लो, क्या तो यहाँ काम करने वाले टोटल फोर्स को जीरो रख दो या यहाँ काम करने वाले टोटल फोर्स को जीरो रख दो, उससे आप लोगों की स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये तो मैंने आपके सामने निकाल दी है एक्स की वैल्यू, अब हम निकालते हैं स्मॉल क्यू की वैल्यू। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। देखिए स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं स्मॉल क्यू की वैल्यू। भाई एक चार्ज है हमारे पास में 2q, दूसरा चार्ज है हमारे पास में q, यहाँ बीच में हमने एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, और ये डिस्टेंस है हमारे पास में x, और ये पूरी डिस्टेंस है हमारे पास में r, ये डिस्टेंस है हमारे पास में r-x। जब आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, जब आपको यहाँ स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है तो दोनों कॉर्नर में से कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, मान लो कि ये कॉर्नर हमने टिक कर लिया, अब इसकी वजह से यहाँ फोर्स काम करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर एफ वन फोर्स इधर काम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यहाँ काम करना है फोर्स, इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स काम करेगा इधर, दो फोर्स इधर काम कर रहे हैं। सो नेट फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू जीरो। एफ वन प्लस एफ टू यहाँ हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसीलिए दोनों को जोड़कर जीरो रख दिया, यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी इसीलिए माइनस करके जीरो रखा था, यहाँ दोनों को जोड़कर हम लोगों ने जीरो रखा। समझ आ रही है आप लोगों को बात? एफ टू को इक्वल टू से उधर लेकर जाते हैं तो ये बन जाएगा एफ वन इज इक्वल टू माइनस के एफ टू। देखो एफ वन को हम क्या लिखेंगे, एफ वन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एफ वन है, इन दोनों के बीच में एफ वन है और ये है एफ टू, तो एफ वन को हम लिखेंगे 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू 2q/x² माइनस एफ टू। क्या है बेटा, एफ टू है इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स, एफ टू को हम लिखेंगे 1/4πε0 2q/q/r², इनके बीच का पूरा गैप हो गया है r². देखो इससे ये हो गया कैंसिल आउट, हो गया 2q से 2q कैंसिल आउट, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। स्मॉल q की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास में माइनस q r² और साथ में है x², ये निकल गई हमारी स्मॉल q की वैल्यू। स्मॉल q हमारा निकल कर आया है बेटा माइनस कैपिटल q x² और अपॉन में है हमारे पास में r². दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, ये हमारी स्मॉल क्यू की वैल्यू है। अच्छा इससे पिछले टर्म में हम एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू है हमारे पास में √2r/√2+1, ये हमारे पास में एक्स की वैल्यू थी बेटा √2r/√2+1। अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ इस x की जगह रख सकते हैं तो स्मॉल क्यू की वैल्यू और अच्छे तरीके से हमारे निकल जाएगी, इतना चार्ज हमें बीच में रखना पड़ेगा अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को बेटा बनाएंगे। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको जस्ट अभी बताए ये आपको समझ आए होंगे। एक तो बॉल का हवा में लटकने वाला, ऊपर की तरफ जितना रिपल्शन काम करेगा वो mg को बैलेंस करेगा, और एक ये इक्विलिब्रियम वाला। ओके उम्मीद करते हैं कि समझ आए हों। तो बेटा आज की क्लास में अभी 3 क्लास हमारी और लगेगी कूलम्स लॉ में, थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। एक तो ईमानदारी से अपने डाउट्स क्लियर करिए, जहाँ भी आप लोगों को परेशानी आ रही है, जिस भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आ रही है, बस वहीं अंडरलाइन कर लीजिए, इंस्टीट्यूट आ जाइए। समझ आ रही बात?
पहले तो फ़ोन कॉल पे अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए या चैट से अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो रहे हैं डाउट्स क्लियर तो सीधा इंस्टीट्यूट पहुंच जाइए, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, और यहाँ आकर अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए जो जो भी आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। देखो फिजिक्स है सब्जेक्ट बेटा, डाउट्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। एक बार में ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ से पढ़ाऊँ और आप सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। डाउट्स तो दिमाग में ज़रूर बनेंगे ही बनेंगे, बस ज़रूरी है उन डाउट्स को क्लियर करना सही तरीके से, ठीक है। एक तो जितना भी मैंने काम कराया है इसे सही तरीके से अपनी क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में आप नोट करिएगा, अपना होमवर्क हमें सेंड करिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम रहे वो हमसे डिस्कस करिएगा। और तीन क्लास में, दो क्लास में और न्यूमेरिकल चलेंगे, और फाइनली लास्ट क्लास में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ वगैरह डिस्कस करेंगे, और फिर कूलम्स लॉ हमारा फिनिश हो जाएगा बेटा, ओके। चलिए मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और देखिए हम बात कर रहे थे कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं और उनमें से कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को समझ भी आ गई है अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर अभी भी बचे हुए हैं बेटा। अगर हम कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, तभी कूलम्स लॉ का टॉपिक हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। सो तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें जो मैं आज आप लोगों को प्रॉब्लम्स कराऊंगा, इन सब में एक दो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर के भी हैं जो बच्चों को डाउट निकल कर आए हैं, जिनमें बच्चों को परेशानी आई है, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इस प्रॉब्लम से। देखिए बेटा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, प्रॉब्लम ये है आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस आप लोगों को गिवन दी गई हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ना ये एक्स बताना है आप लोगों को क्या होगा। भाई हम क्या कहते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व रहता है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एटॉमिक नंबर या मास नंबर कंजर्व रहेगा। देखिए यहाँ का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, यहाँ का एटॉमिक नंबर है 1, तो डेफिनेटली एक्स का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट का होगा बिल्कुल उतना ही एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट का होगा। आइए आगे देखते हैं, मास नंबर भी कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ का मास नंबर कितना है, 12, और यहाँ का मास नंबर कितना है, 1, और ये बन गया है हमारे पास में 13, यानी 6 कार्बन 12 प्लस 1H1 जो बनेगा वो बनेगा 7X13। और बेटा जो 7 एटॉमिक नंबर होता है वो नाइट्रोजन का होता है, तो जो ये हमारे पास में X था ये आइडेंटिफाई हो गया है कि ये नाइट्रोजन है और इसकी वैल्यू है 7 नाइट्रोजन 13। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई हो। जब भी ये न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे आप ध्यान रखेंगे, जितना एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिएक्टेंट का होगा बिल्कुल उतना ही प्रोडक्ट का होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बेटो, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई है हम लोगों की। आइए नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। भाई ये है हमारे पास में रिएक्टेंट और ये है हमारे पास में प्रोडक्ट। जितना एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ इसका होगा उतना ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ इसका होगा। देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ है 7 और यहाँ है 1, 7 और 1 ये हो गया है हमारे पास में 8, यानी यहाँ का एटॉमिक नंबर हो गया है 8, यहाँ का एटॉमिक नंबर है 2, इधर भी 8 बनाना है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 रहा होगा। देखो यहाँ का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ का एटॉमिक नंबर 2 यानी 8, यहाँ का एटॉमिक नंबर 7 और यहाँ का 1 यानी 8, यानी दोनों के एटॉमिक नंबर सेम हो गए। अब आते हैं मास नंबर पर। देखिए बेटा यहाँ का जो मास नंबर है वो है 15 और यहाँ का मास नंबर है 1, 15 और 1 ये हो गया है 16, यहाँ का मास नंबर है 4, 16 में से 4 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है, यानी जितना एटॉमिक नंबर ये होगा बिल्कुल उतना ही एटॉमिक नंबर ये होगा, जितना एटॉमिक मास नंबर यहाँ का होगा उतना ही मास नंबर यहाँ का होगा। अब आप देखिए कि 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, हम कहेंगे कि भाई 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का और X यहाँ आइडेंटिफाई हो गया है, X यहाँ रहने वाला है कार्बन,
यहाँ एक्स रहने वाला है नाइट्रोजन और यहाँ एक्स रहने वाला है कार्बन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। बेसिक सी प्रॉब्लम है, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ आया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि जितना एटॉमिक नंबर यहाँ का होगा उतना ही एटॉमिक नंबर यहाँ का होगा, जितना मास नंबर यहाँ का होगा उतना ही मास नंबर यहाँ का होगा। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों देखो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, बहुत सारे बच्चों को इस प्रॉब्लम में समस्या आई है, इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आई है। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम बनेगी। आइए देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम इक्वेशन तो बना पा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन में समस्या आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास में कंडीशन बेटा ये है, टू आइडेंटिकल साइज ओपोजिटली चार्ज मेटेलिक स्फीयर विद डिफरेंट चार्जेस प्लेस्ड 0.5 मीटर अपार्ट। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास में दो बॉडी हैं, एक का चार्ज है Q1 और दूसरे का चार्ज है माइनस के Q2। समझ आ रही बात? और इनके जो बीच का गैप आपको दिया है, ये गैप आपको दिया है 0.5 मीटर। इनके बीच का गैप है 0.5 मीटर। इनके बीच में अभी जो फोर्स काम कर रहा है वो है ये बेटा, इतना फोर्स है। आइए हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। देखो जैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास में, फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10^9। यहाँ बनेगा Q1 × Q2, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। नेगेटिव का यूज़ आपको कैलकुलेशन में नहीं करना है, अपॉन में है 0.5 का होल स्क्वायर। और फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है बेटा स्टार्टिंग में इतनी 0.108। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 0.108 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 और मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, अपॉन में जाएगा हमारे पास में 9 × 10^9 इज इक्वल टू Q1 × Q2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा रिजल्ट बनेगा हमारे पास में ये, Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 × 10^-12 कूलम। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके ये रिजल्ट हमारे पास में बनेगा, Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 × 10^-12 कूलम। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ आई हो और कोई भी परेशानी आपको यहाँ तक ना हो। अब हमने क्या किया बेटा, हमने दोनों बॉडीज को, ये पहली कंडीशन थी हमारे पास में, ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास में, हमने दोनों बॉडीज को एक वायर का यूज करते हुए कनेक्ट करा दिया। अब आप जानते हैं अगर हम दोनों बॉडीज को एक वायर का यूज करके कनेक्ट करा देंगे तो क्या होगा, दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा। और उस चार्ज को निकालने का तरीका यह है कि दोनों के चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका चार्ज कितना है Q1, इसका चार्ज कितना है माइनस के Q2। जैसे ही हम दोनों के चार्जेस को ऐड करेंगे तो ये बनेगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई 2। यानी इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा हमारे पास में इतना, इस बॉडी का चार्ज भी हमारे पास में हो जाएगा बेटा इतना। बॉडी ए का चार्ज भी होगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी बॉडी का चार्ज भी हमारे पास में होगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये कब हुआ, जब हमने दोनों बॉडीज को क्या तो किसी वायर का यूज करके ज्वाइन करा दिया या दोनों बॉडीज को आपस में टच करा दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो दोनों बॉडीज का चार्ज हो जाएगा सेम और उसे निकालने का तरीका है कि दोनों बॉडीज के चार्जेस को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करिए, दोनों बॉडीज का चार्ज निकल जाएगा। अच्छा अभी भी इनके बीच का गैप इतना ही है जितना पहले था, 0.5 मीटर, लेकिन अब इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो है 0.036 न्यूटन। अब इनके बीच में इतना फोर्स काम कर रहा है तो एक कूलम्स लॉ तो हमने इनके लिए लगाया था, एक कूलम्स लॉ हम इन दोनों बॉडीज के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखो जैसे ही एक कूलम्स लॉ हम इन दोनों बॉडीज के लिए अप्लाई करेंगे तो बनेगा फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स की जगह रखेंगे 0.036 9 × 10^9। एक चार्ज है हमारे पास में Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा चार्ज है हमारे पास में Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2 और इनके बीच का गैप है हमारे पास में 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया है इनके बीच काम करने वाला फोर्स।
ये हो गई 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू। ये हो गया एक बॉडी का चार्ज, वो हो गया दूसरी बॉडी का चार्ज, इनके बीच का गैप अभी भी 0.5 है बेटा। देखो जब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, 0.5 का स्क्वायर इधर पहुँच जाएगा, ये बन जाएगा 0.025, ठीक है, 2 × 2 = 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, डिवाइड होगा 9 × 10⁻⁹ से, और यहाँ बचेगा हमारे पास में Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ से Q1 माइनस के Q2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आंसर बनेगा 4 × 10⁻¹2, 4 × 10⁻¹2। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ रही होगी। देखो अब आप लोग, जैसे इधर से स्क्वायर रूट आएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये वैल्यू कहाँ से आई, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमने अंडर रूट लगाया, तो ये बन गया Q1 माइनस के Q2 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब। अब देखो बेटा एक तो हमारे पास में आ चुका है Q1 Q2 = 3 × 10⁻¹2 कूलम्ब, एक हमारे पास में आ चुका है Q1 - Q2 = 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है और देखना है कि इन्हें सॉल्व करके क्या रिजल्ट बनेगा। इतना मुश्किल नहीं है बेटा सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो Q1 Q2 है मेरे पास में 3 × 10⁻¹2 कूलम्ब। आप चाहो तो बिना वैल्यू पुट करे एक दूसरे में ही सॉल्व कर लोगे आराम से। कैसे, सुनिएगा मेरी बात। 10⁻⁶ का मतलब होता है माइक्रो, तो ये हो गया 2 μC, हो गया ना 2 μC। ये है मेरे पास में, देखो ध्यान से, 3 × 10⁻¹2, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 3 μC, 3 μC, यानी मल्टीप्लाई करने पर, दो चार्ज की मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 3 μC, और माइनस करने पर आना चाहिए 2 μC। हमें ऐसे दो चार्ज बताने हैं जिन्हें माइनस करके तो 2 μC आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 3 μC आना चाहिए, ठीक है। ऐसे दो चार्ज हमारे पास में क्या हो सकते हैं, सोचो जरा, माइनस करके 2 μC आए और मल्टीप्लाई करके 3 μC आए। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक चार्ज मेरे पास में होगा Q1 = 3 μC और Q2 = होगा मेरे पास में 1 μC। ये कंडीशन मेरे पास में होगी। अगर मैं Q1 में से Q2 को माइनस करूँगा, यानी 3 μC में से 1 μC को माइनस करूँगा 2 μC, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर मैं Q1 की मल्टीप्लाई Q2 में करूँगा, यानी 3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, तो ये आ गया 3 × 1 3 μC, ये वैल्यू हमारे पास में बन गई। मतलब ये तो हो गया इसे आसान तरीका सॉल्व करने का, एकदम से झट से बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकदम से आसान तरीका कि भाई ये इसके आंसर रहने वाले हैं। बाकी अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको लॉन्ग मेथड लगाना पड़ेगा। भाई माइनस करके आ रही है इतनी वैल्यू और मल्टीप्लाई करके आ रही है इतनी वैल्यू। आप एक काम करेंगे, यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालेंगे, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2 + Q2, और उठाकर यहाँ पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, तब जाकर कहीं आपका आंसर बनेगा। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आनी चाहिए 3 μC, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 μC आएगा और माइनस करेंगे तो 2 μC आएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही होगी, जिन्हें डाउट रहा होगा, उनका डाउट अब इसे करने के बाद में क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अभी भी डाउट बचता है तो आप दोबारा से मेरे पास में कॉल करें कि सर इसमें समस्या है, हम आपको फिर दोबारा से बताएंगे बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया हो बेटा और कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। हमें क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करना है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास में। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये प्रॉब्लम एक्चुअल में NCERT से ही ली गई है। ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने ली है
ये एक्चुअल में एनसीईआरटी से ही हम लोगों ने ली है, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम ज़रा एक बार देखते हैं। सपोज द स्पेयर्स ए एंड बी इन क्वेश्चन फोर, ठीक है। इससे पहले एक प्रॉब्लम रही थी, उसके जैसे ही प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ यहाँ एक अलग चीज़ बतानी है, नई चीज़ हमें बतानी है, क्या होगी वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन क्वेश्चन फोर हैव आइडेंटिकल साइज, ए थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम चार्ज बट अनचार्ज इज ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। देखो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन क्या थी हमारे पास में, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट जो सिचुएशन थी हमारे पास में वो ये थी कि एक बॉडी है ए जिसका चार्ज है प्लस क्यू और ये बॉडी यहाँ रखी है। दूसरी बॉडी है हमारे पास में बी, इसका जो चार्ज है वो भी है प्लस क्यू और ये बॉडी यहाँ रखी है। इन दोनों बॉडीज के जो बीच का गैप है वो है आर, समझ रहे हो। इन दोनों बॉडीज के जो बीच का गैप है वो आर है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास में। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उस फोर्स की वैल्यू होगी ये 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो, कोई परेशानी ना हो। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पर। सेकंड सिचुएशन क्या है बेटा हमारे पास में, सेकंड सिचुएशन ये है कि ये रही बॉडी ए, इस पर चार्ज है क्यू, ये रही बॉडी बी, इस पर भी चार्ज है क्यू। इस बार हमारे पास में एक थर्ड बॉडी है बेटा, थर्ड, जिसका नाम है सी, और ये थर्ड बॉडी पूरी तरीके से अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड, अनचार्ज आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले ये कहा गया कि सबसे पहले इन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट में लेकर आए। देखो आप, इसका चार्ज कितना है क्यू, अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर जीरो चार्ज है। और अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आऊँगा, ए और सी को मैं कांटेक्ट में लेकर आऊँगा, तो इन दोनों पर हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, यानी इसका चार्ज है क्यू, इसका चार्ज है जीरो। क्यू और जीरो को ऐड करेंगे तो क्यू आएगा, टू से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ का जो चार्ज हमारे पास में बनेगा वो बनेगा क्यू बाय टू, और यहाँ का जो चार्ज बनेगा हमारे पास में वो भी बनेगा क्यू बाय टू। अब ये बॉडी अनचार्ज नहीं रही, अब इस पर चार्ज हो गया क्यू बाय टू। जब ए और सी को हम कॉन्टेक्ट में लेकर आए तो यहाँ का चार्ज Q था, यहाँ का चार्ज जीरो था। कॉन्टेक्ट में लाने से यहाँ का चार्ज हो गया Q बाय टू, यहाँ का चार्ज भी हो गया Q बाय टू। बच्चों बात समझ में आ रही है अब, ओके। अब उसने कहा अब हम B को और C को कॉन्टेक्ट में लेकर आए। देखो अगर B को और C को हम कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे तो यहाँ का चार्ज कितना है Q, प्लस यहाँ का चार्ज कितना है Q बाय टू एंड डिवाइडेड बाय टू। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 3Q/4, यानी जैसे ही तुम इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आओगे इनका चार्ज हो जाएगा 3Q/4, यहाँ का चार्ज भी 3Q/4 और यहाँ का चार्ज भी 3Q/4। इनके बीच का गैप अभी भी R ही बना हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो। पहली कंडीशन ये थी कि यहाँ का चार्ज Q है, यहाँ का चार्ज Q है और इनके बीच का गैप R है, तो इनके बीच में इतना फोर्स काम कर रहा होगा। फिर उसके बाद में ये C एक अनचार्ज स्पेयर था, पहले इसको इसके कांटेक्ट में लेकर आए तो यहाँ का चार्ज Q, यहाँ का चार्ज जीरो, दोनों को ऐड किया और टू से डिवाइड किया, ये भी Q बाय टू, ये भी Q बाय टू। फिर इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आए तो दोनों के चार्ज को ऐड किया और टू से डिवाइड किया, 3Q/4, 3Q/4। अब देखिए कि इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा। हमने कहा कि भाई अब इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा वो होगा एफ डैश, और उस एफ डैश की वैल्यू हमारे सामने होगी बेटा, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ का चार्ज है क्यू बाय टू, दूसरे वाला चार्ज है हमारे पास में 3Q/4 और इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो। देखिए एफ डैश इज इक्वल टू, ये हो गया 3, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8, ये 3 और 8 को हमने आगे ले लिया बेटा यहाँ से, ब्रैकेट में बचा हमारे पास में 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये 3 और 4 इंटू 2 8, हमने इन्हें बाहर ले लिया, ये मैंने पीछे लिख दी वैल्यू, ठीक है। सो एफ डैश इज इक्वल टू
3/8 और ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये f के इक्वल है। सो f डैश इज इक्वल टू 3/8 इंटू एफ, यानी अब इनके बीच में जो न्यू फोर्स काम कर रहा होगा ना बेटा, पहले तो फोर्स कितना काम कर रहा था f, अब जो फोर्स काम कर रहा है f डैश उसकी वैल्यू है 3/8 टाइम्स ऑफ f। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, करिए नोट डाउन जल्दी से। अरे भगत सर क्लास में हूँ भैया, अभी कॉल करता हूँ 10 मिनट के बाद में, ठीक है? निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो बेटा इतना फोर्स हमारा रहने वाला है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो, कोई परेशानी आप लोगों को ना हो, किस किस तरीके से हम लोगों ने निकाला है। प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने सामने। देखो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है? आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज में क्या दिया गया है। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज माइनस के Q1, इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट करिएगा बेटा, और एक भी क्वेश्चन के अंदर हल्का सा भी डाउट होगा ना वो भी उनसे क्लियर करिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाएँ, आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज माइनस के Q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस Q2 along a circular path of radius r, prove that period of revolution of charge minus के Q1 about Q2 is given by this, ठीक है? ये अंडर रूट में है बेटा, ये अंडर रूट में है, ठीक है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम की लैंग्वेज को जरा समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम की लैंग्वेज क्या है। प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक यहाँ हमें एक चार्ज दे रखा है बेटा प्लस Q2, और प्लस Q2 के चारों तरफ r रेडियस की एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में एक दूसरा चार्ज चक्कर लगा रहा है, इस चार्ज का नाम है माइनस के क्यू वन। ये जो माइनस के क्यू वन है ये Q2 के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सिर्फ आप लोगों से इतना पूछा गया है कि भैया ये बताइए माइनस क्यू वन को चारों तरफ एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब है एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है, यानी माइनस Q1 को अगर ये माइनस Q1 ऐसे राउंड कंप्लीट कर रहा है वी वेलोसिटी से ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो इस Q1 को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है आप लोगों को ये बताना है। अब आप समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा, यह है प्लस Q2 और यह है माइनस Q1। अब ये जो प्लस Q2 है ना, ये माइनस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से, प्लस Q2 माइनस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस Q1 इधर नहीं आना चाहेगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर भी होती है और mv स्क्वायर r भी होती है। आप ध्यान रखिएगा ये सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू है, ये जो कैपिटल F है ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, और ये वाला जो फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स इस कैपिटल F फोर्स को बैलेंस करने के लिए काम कर रहा है। प्लस Q2 माइनस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर, लेकिन माइनस Q1 इधर जाना नहीं चाहता है और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर अपॉन r। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमारा mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ और mr ओमेगा स्क्वायर काम कर रहा है बाहर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 πε0। यहां का चार्ज है Q2
यहाँ का चार्ज है हमारे पास में Q1, इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q2 इंटू Q1/r2, और ये वैल्यू हमारे पास में रहेगी mr2 के इक्वल। हमें निकालना है बेटा टाइम पीरियड। अब आप देखो ध्यान से कि आगे और हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ Q1 × Q2/4πε0, ये m को यहाँ इसके अपॉन में ले जाओ, ये आर स्क्वायर है, r को यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो ये r³ बन जाएगा। ये है अपने पास में ओमेगा स्क्वायर। बेटा ओमेगा स्क्वायर को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर है मेरे पास में ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, एक तरफ से स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ अंडर रूट लग गया है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ रही हो। अब ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/T, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में कहीं पढ़ाया जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। कैपिटल टी का मतलब है पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगने वाला है। तो मेरे पास में जो कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा, वो आएगी 2π√4πε0mr³/Q1 × Q2, इतना टाइम लगने वाला है बेटा, इतना टाइम लगेगा। अब आप देखो ये 2 अगर अंडर रूट के अंदर गया तो 4 हो जाएगा, एक 4 पहले से मौजूद है तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 है। अगर ये पाई अंदर गया तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक पाई पहले से मौजूद है तो पाई क्यूब हो जाएगा, और वही आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, और मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब Q1 Q2 के चारों तरफ घूमेगा तो Q2 Q1 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और Q1 इसकी तरफ ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और फाइनली हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ये आएगा भैया 16π³ε0mr³/Q1 Q2, ये हमारे टाइम की वैल्यू हो जाएगी बेटा। ओके, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि इसके अंदर और क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आराम से अपना क्वेश्चन नोट करिए बेटा, जो प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ दे रखी है उसके बाद में इसका पूरा आप आंसर नोट करिए। देखिए इसके जैसा ही एक और प्रॉब्लम हमारे पास में है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम बिना लैंग्वेज के है, ज़रा समझिएगा आप। प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखिए, हमें ये दे रखा है बेटा एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में होता है प्लस ई, और यहाँ चक्कर लगा रहा है माइनस ई, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बताना है कि इस माइनस को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। माइनस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्लस ई का मतलब है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कुछ इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगने वाला है, ये हमें बताना है बेटा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्लस ई इस माइनस ई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स लगाकर, इस फोर्स को हम कहेंगे F1 फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये माइनस ई अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू है हमारे पास में mr²। ये प्लस ई इस माइनस ई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F1 फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसे कह सकते हैं। और ये माइनस ई इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है mr²। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तभी ये फोर्स काम करता है, हम इसे mr² भी कह सकते हैं, हम इसे mv²/r भी कह सकते हैं। तो वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mr²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, यहाँ का चार्ज है E और यहाँ का चार्ज भी है E,
और इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर। यहाँ है हमारे पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो। हमारे पास आगे की कंडीशन बनेगी ई स्क्वायर 4 पाई एप्साइलन नॉट। देखो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लेकर जाते हैं, एम आर क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना बेटा हम लोग, तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब ध्यान रखिएगा, सो कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्साइलन नॉट एम आर क्यूब अपॉन ई स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने में। ओके, जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग।